बहुत शुक्रिया। अपने पहले सेशन के अपने मौजज़ और आखिरी मेहमान डॉक्टर मुश्ताक अहमद सुलहरिया, साबिक सीईओ पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, डायरेक्टर क्लिनिकल गवर्नेंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स, उनसे मुल्तमिस हूँ आपकी भरपूर तालियों में कि आज के मौजू पर अपने ख्याल का इजहार करें। आपकी भरपूर तालियों में डॉक्टर मुश्ताक अहमद सुलहरिया साहेब। गलत तरीके से हो जाती थी, अब उसमें बहुत सारी क्लैरिटी आ गई है। हम
इस पे बड़ा क्लियर है जी कि बहुत शुक्रिया आप सब लोगों की हिम्मत में गुजारिश ये है जो मैं भी कुछ इस वक्त ऐसे लोग होंगे जिनको कमीशन के काम के बारे में शायद इतना तफसील से क्या कहते हैं एक आगाही नहीं होगी जितनी तफसील से श्रीमी साहब और दूसरे लोग जानते हैं। तो बुनियादी तौर पे जी जो कमीशन बनाया गया 2010 के एक लॉ के तहत एक एक्ट जो पार्लियामेंट ने पास किया उसका बुनियादी मकसद ये था कि जो भी मरवजा कानूनी तरीका इलाज के तहत लोगों को सहूलियत वहाँ पहुँचाई जा रही हैं वो एक तो उनकी क्वालिटी उनके मेयार को बरकरार रखा जाए और वो सेफ हों महफूज हों और एक हिफाजत तरीके से मरीजों तक पहुँचें। और जिस तरह हामिद अशरफ साहब ने बड़ी तफसील के साथ बताया कि जो भी आपका तरीका इलाज है जामा है ये दूसरी चीज़ें हैं वो अगर उसको सही तरीके से साइंटिफिक बुनियादों पे या जो आपका तिब्बी इल्म है उसको सही तरह से प्रैक्टिस करने की बजाय किसी लेफ्ट राइट पे करके करने की कोशिश करें तो उसमें एहतमाल है कि मरीज़ का नुकसान तो होगा ही होगा मालिज को भी नुकसान पहुंचने का खतरा होता है। बहुत सारी ऐसी कैफियात होती हैं बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं। तो बुनियादी मकसद कमीशन का यही था कि कोई ऐसे बुनियादी जो जो मेयारात हैं जो स्टैंडर्ड्स हैं वो तरतीब दे दिए जाएं जिसके बुनियाद पे जिसको प्रैक्टिस करते हुए जो भी हम तरीका इलाज चाहे वो एलोपैथिक सिस्टम हो चाहे वो टिप का सिस्टम हो चाहे वो होम्योपैथी का सिस्टम हो वो जो तरीका इलाज है वो मरीज के लिए सेफ हो महफूज हो मालिज के लिए सेफ हो और अल्टीमेटली जो हम हासिल करना चाहते हैं जो अल्टीमेटली अचीव करना चाहते हैं कि मरीज सेहतियाब हो जिसमें दूसरे अल्फाज में ट्रीटमेंट आउटकम हम कहते हैं वो हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक हमारी क्या कहते हैं जो जो हम हासिल करना चाहते हैं कि मरीज मुकम्मल तौर पर खुली तौर पर सेहतियाब हो के आदमियों के पास जाए। तो उसका यही नहीं कि मरीज़ ठीक होगा और एक आपको सेटिस्फेक्शन होगी मैं समझता हूँ कि जब मरीज़ ठीक होता है और मुकम्मल शफायाब होने के बाद किसी मालिज से वापस जाता है तो उस मालिज पे उस तरीका इलाज के ऊपर लोगों के जो जो खदशात होते हैं वो दूर होते हैं और एक ट्रस्ट बिल्ड होता है जो एक इत्मीनान होता है लोगों को कि फलां मालिज के पास जाएंगे फलां क्लिनिक पे जाएंगे फलां मतलब पे जाएंगे तो वहाँ पे जो तरीका इलाज मुहैया किया जा रहा है वो सेफ है और उसके तहत जो जो हमारे क्या कहते हैं जो नतज हैं वो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक होंगे तो वो लोग फिर उस पर ट्रस्ट करते हैं वहाँ पे आते हैं। दूसरी बात यकीन हामिद साहब ने और बाकी दूसरे दोस्तों में भी और मंसूर अजीज़ साहब ने दरस हदीस में भी बताई कि ज़ाहिर है इस्लाम और दीन और हमारा सुन्नत नबवी के ऊपर अमल करें और जो 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 सुन्नत नबवी और जो सारी ज़िंदगी के सारे पहलुओं का अहाता करती है जिसमें रहन सहन भी एक दूसरे से मेल मिलाप भी एक दूसरे से तलक भी और सेहत के और इलाज मुआलजे की बाकी बातें भी तो उसी में ज़ाहिर है हमें सबसे हमारी रहनमाई वहीं से होती है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पर हम ये समझते हैं कि हमारा जो इलाज है जो तरीका इलाज है वो सुन्नत नबवी के मुताबिक है वहीं पे हमारे ऊपर ये भी लाजम होता है कि जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि अल-मुस्लिमू मन सलमा अल-मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से मुसलमानों को सलामती मिले सलामत रहें। तो इसका मतलब आप ये अर्ज कर सकते हैं कि हमारा जो तरीका इलाज है उसको मरीज के लिए महफूज होना सेफ होना भी एक सुन्नत नबवी पर और उस पर अमल करने के मुतअल्लिक है। तो ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम तरीका प्रैक्टिस करें वो मरीज के लिए भी और हमारे लिए भी महफूज तरीका इलाज हो। दूसरी बात जो हमने स्टैंडर्ड्स या मेयार मुकर्रर
जाहिर है हम जो कमीशन में उस वक्त लोग थे 2012-13 में जब काम शुरू हुआ तो सारी की सारी टीम मेजॉरिटी आप कह लें कि उसमें एलोपैथी वाले डॉक्टर हजरात थे और बाई डिफॉल्ट आप यूँ समझें कि उसके तहत इस तरह का उसका स्ट्रक्चर बना कमीशन का कि इस पर एतराज भी हुए कि सिस्टम तो एलोपैथी जो है उसने उसको भी रेगुलेट होना है और टिम को भी रेगुलेट होना है और होम्योपैथी को भी रेगुलेट होना है, लेकिन यहाँ पे कमीशन की जो टीम है वहाँ पे दूसरे लोगों की नुमाइंदगी नहीं है और एहतमाल इस बात का है, खतरा है कि ये बायस होंगे जो एलोपैथी के हजरात हैं कमीशन की जिनके हाथों में मैनेजमेंट है ये काम कर रहे हैं। तो हमने कोशिश ये की कि शुरू से और अभी तक वो कोशिश जो है वो जारी है, वो लगातार है, कंटिन्यूस एक हमारी एफर्ट है कि जहाँ जहाँ भी किसी भी तरीका इलाज के ऊपर कोई चीज़ बदल करने की जरूरत हो और वहाँ पे उस तरीका इलाज के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको साथ शामिल किया जाए, उनसे गाइडेंस ली जाए। तो मुझे ये बताते हुए आप सबकी खिदमत में ये बात अर्ज करते हुए खुशी है कि जो भी स्टैंडर्ड्स हमने अपनी एक हम्बल कैपेसिटी में कमीशन के प्लेटफॉर्म से तरतीब किए और उनको नोटिफाई किया इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वो सारे के सारे स्टैंडर्ड्स आप लोगों के आपके जो लीडरशिप है, जो आप लोगों के टीचर्स हैं, जो आप लोगों की क्यादत है, उन सब की मुशावरत से बनाए गए और हमें तो डेफिनेटली इसमें बहुत सारी कोई ऐसी आगाही नहीं थी। तो सलीमी साहब की टीम ने वो सारी हमें एक टेक्निकल जो होती है सपोर्ट वो मुहैया की और उसी की बुनियाद पे हमने वो स्टैंडर्ड बनाए। दूसरी बात ये कि हजामा के बारे में मैं समझता हूँ कि 2-3 साल पहले तक और अभी भी कन्फ्यूजन तो होगी कि कौन हजामा करने का अहल है। तो हमने बजाय इसके कि एक अंग्रेजी में कहते हैं नी जर्क रिएक्शन के फौरी तौर पे जो आपके जहन में आए आप फौरी तौर पे उस पर कोई फैसला सादर कर दें बहुत सारी सोच विचार किए बगैर, तो हमने उस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए टिब को भी थोड़ा बहुत स्टडी किया, होम्योपैथी को भी किया, एलोपैथी के सिस्टम को भी किया। तो हम इस नतीजे पे पहुंचे कमीशन में कि जो हजामा का तरीका इलाज है जिसके ऊपर ये आज का सेमिनार और पूरे दिन की गुफ्तगू होगी वो सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट के तौर पे टिब का जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, उसी में पढ़ाया जाता है और इसी बुनियाद पर हमने इसको पूरा एक फॉर्मली ऑफिशियली एग्जामिन करने के बाद उसके सारे पहलुओं का जायजा लेने के बाद वो जो नोटिफिकेशन सलीमी साहब के मारे थे वो जारी किया और कानूनी तौर पर अगर आज के इस मौका की बात करें तो एज ऑफ नाउ एंड एज ऑफ टुडे अगर कोई तरीका इलाज जिसको इजाज़त है कानूनी तौर पे इंजामा करने की तो वो टिब का तरीका इलाज है और हम इसके बहुत क्लियर हैं। अब दूसरा जो स्टेप था कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको इस पे जो रेगुलेटर्स तो नहीं थे लेकिन गवर्नमेंट मशीनरी थी जो काम करने मारते रहते हैं सिस्टम को ठीक करने के लिए, उनकी क्लैरिटी के लिए भी ज़रूरी था क्योंकि जब क्वैकरी की बात होती है क्वैकरी से मुराद ज़ाहिर है मोटे अल्फाज में यही है आम अल्फाज में कि वो काम जिसकी हमारे पास अहलियत ना हो अगर हम वो काम करें तो वो क्वैकरी है। तो वो हम ये समझते हैं कि वो एलोपैथी के डॉक्टर हजरात या इवन सर्जन भी अगर हैं तो अगर वो एक कोई इंटरवेंशन करने की या कोई एक सर्जरी करने की उनमें अहलियत या उनकी क्वालिफिकेशन उनको अलाउ नहीं करती तो वो अगर उसको अपनाते हैं वो इस तरह का कोई अमल करते हैं तो वो भी क्वैकरी के ज़िम्मे में आता है। इसी तरह हमने ये बिल्कुल नोटिफाई कर दिया कि चूँकि आप लोग जानते हैं जी कि बहुत सारे ऐसे लोग जो होम्योपैथ हैं हजामा करने की उनके पास कोई वो दावा करते हैं और जिनके पास कोई भी डिग्री या कोई भी क्वालिफिकेशन जो रिकग्नाइज्ड
क्वालिफिकेशन नहीं है, टिप की क्वालिफिकेशन तो जाहिर है जरूरी है उसके लिए, लेकिन अदरवाइज भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तो वो भी हजामा सेंटर खोल के बैठे हुए हैं। तो हम समझते हैं कि आप लोगों की तावन से, आप लोगों की मुशावरत से और हमारी जो कोलैबोरेशन है टिबी कॉन्फ्रेंस और टिबी काउंसिल के साथ, उस मैन प्रैक्टिस के ऊपर भी और जो बहरहाल क्वैकरी के जिम्मे में आती है, हमें काम करना है और उसमें आप लोगों की रहनमाई भी चाहिए होगी। दूसरी बात, हामिद अशर साहब ने बहुत ही तफसील के साथ बताया कि हमारा जो 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 हमारे इस्लाफ का ये सारा रिसर्च और उसके ऊपर बेस करता है साइंटिफिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट और बाकी सारी चीज़ें, और बेसिस जो है सारे तरीका इलाज की वो तिब ही से शुरू होती है, और हमारे जो नामवर तिब्बा थे उन्हीं के इलम से और उन्हीं की वजह से ये चीज़ें आगे बढ़ी। लेकिन उसमें ज़रूरी जो बात जो मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ, जो टिबी कॉन्फ्रेंस के लिए भी, टिबी काउंसिल के लिए भी और आप सब के लिए भी है, कि हम ये ज़रूरी नहीं कि टिब का कोई डिप्लोमा या किसी सब्जेक्ट के भी या किसी स्पेशलिटी का भी कोई डिप्लोमा हमने कर लिया तो वो हरफ आखिर है। हमें अपने प्रैक्टिस को, अपनी स्किल्स को, अपने इल्म को, अपने नॉलेज को हर वक्त और हर स्टेज पे बढ़ाने की तरफ जाना चाहिए, और उसकी उसके लिए ज़रूरी ये है कि हर टीम का इलाज में, और ख़ास तौर पे मैं तो गुजारिश करूँगा सारे जो भी लीडरशिप है टीम की, कि जो भी तरीका इलाज है उसमें रिसर्च को फ्लोग दें, उसमें जो अभी बहुत सारे पेशेंट का डेटा भी आप लोगों के पास होगा उसको क्या कहते हैं उसके ऊपर पेपर लिखें, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है आज के दौर में इंफॉर्मेशन को ही पावर और इंफॉर्मेशन ही एक ताकत का वो समझा जाता है एक जरिया, तो जब तक वो इंफॉर्मेशन हम इस्तेमाल नहीं करेंगे जो 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 इस डेटा के जरिए जो रिसर्च के जरिए हमारे पास अवेलेबल है, तो उस वक्त तक हम अपनी काज को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि हर उस पर रिसर्च हो, जो डेटा आपके पास है वो पब्लिश हो कि इस तरह के जो मरीज़ आए उनका इलाज हुआ, उनका ये आउटकम हुआ, तो अल्टीमेटली तो हमारा जो 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 मतमय नज़र है वो लोगों की खिदमत के जरिए रज़ाए इलाही का हसूल है। तो उस रज़ाए इलाही के हसूल का एक पहलू ये भी है कि जो इंफॉर्मेशन हमारे पास, जो नॉलेज, जो स्किल हमारे पास मौजूद है वो लोगों तक हम पहुँचाएँ, वो दूसरों तक पहुँचाएँ, और अपनी क्वालिफिकेशन को, अपनी स्किल्स को हर लेवल पे, हर मौके पे उसको बढ़ाने की जो भी कोशिश हो सकती है वो करें, क्योंकि क्वालिटी के बारे में ये कहा जाता है कि देर इज़ नो एंड लाइन इन द रेस ऑफ क्वालिटी। जब आप क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, और उसके बारे में स्काई इज़ द लिमिट, जैसे रमाई पाल ने कहा था कि स्टारों से आगे जहाँ और भी हैं, तो क्वालिटी को तो हर वक्त हर लेवल पे इम्प्रूव होना है, और हमें उसके लिए कोशिश करनी है, और वो कोशिश इस तरह हो सकती है कि हम अपने एजुकेशनल सिस्टम को भी मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाएं, अपनी प्रैक्टिसेस को भी बेहतर बनाएं, और जो भी नई डेवलपमेंट हैं उनको इंटेग्रेट करें अपनी प्रैक्टिसेस में, अपनी नॉलेज में। दूसरा, इस पर एक और अहम मौजू पे सलीमी साहब से अक्सर बात होती रहती है कि डेफिनेटली टिप का जो रूम है टिप के, और टिप का जो नॉलेज है हमें जो भी हमारे टिप के कॉलेजेस हैं वो फ्राहम करते हैं, लेकिन जाहिर है जो बाकी जो रूम हैं रूम हैं जिनकी बेसिस पे, लाइक फॉर एग्जांपल मैट्रिक के बेस पे जो डिप्लोमा या दाखिले या एडमिशन एक्सपीरियंस करते हैं, तो उसको भी अब थोड़ा सा मे बी किसी स्टेज पे अपग्रेड करने की ज़रूरत है, ताकि हम जो बाकी चीज़ें हैं जिनके बारे में क्या कहते हैं क्वालिफिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, तो जो डिप्लोमा है टिब्बुल जराहत का, जाहिर है बैचलर डिग्री भी अब हो रही है, लेकिन उस बैचलर डिग्री में और टिब्बुल जराहत का जो डिप्लोमा है जाहिर है बहुत फ़र्क होगा, क्योंकि वहाँ पर शायद इंटरमीडिएट के बाद दिया जाता है, तो उसको अगर ऑफिशियली
किसी लेवल पे, काउंसिल के लेवल पे, कॉन्फ्रेंस के लेवल पे कोशिश की जाए कि हमारी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है मैट्रिक से उसको जरा थोड़ा सा ऊपर उठाएं, ताकि हमें बाकी जो चीज़ें हैं जो ज़ाहिर है हमें एनाटॉमी पढ़नी है, फिजियोलॉजी पढ़नी है, पैथोलॉजी पढ़नी है, टिप के उसमें मज़ामीन के साथ साथ, तो उस अगर बेसिक नॉलेज बेहतर होगा, बेसिक क्वालिफिकेशन का लेवल बेहतर होगा, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए बहुत बेहतर होगी। आखिर में मैं एक और बात आप लोगों को बताता जाऊँ कि सलीमी साहब की और बाकी जो टीम थी जो जो हमें सपोर्ट कर रही थी ये स्टैंडर्ड और मैार बनाने में, उनकी कोशिशों से अल्टीमेटली फिर हमने ये किया कि जो रोज़मर्रा के सवालात आते हैं, जो क्वेरीज आती हैं जिनके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत होती है, तो हम अगर एज एलोपैथिक प्रोफेशनल उसको एग्जामिन करेंगे, देखेंगे, तो ये एक क्या कहते हैं इंसानी एक वो है अलमिया कह लें कि उसमें कहीं ना कहीं बायस और वो आने का खतरा होगा। तो हमने फिर दोस्तों की मशावरत से और कमीशन की जो टॉप लेवल मैनेजमेंट थी, जो कमीशन का बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स है, उनकी मंजूरी के बाद एक पोजीशन सीनियर लेवल की असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल की वहाँ पे क्रिएट करवाई, जिस पे जो हमारे टीम फारूक हसन साहब आपके साथ मौजूद हैं और उसकी हमें हर इस तरह के मामला में मुआवनत रहती है, और जहाँ पे हम उसको भी थोड़ी सी कोई ऐसी परेशानी होती है तो हम सीबी साहब से मशावरत करते हैं, उनसे गाइडेंस देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो जो ट्रीटमेंट का या इलाज मुआवजे का जो एक बहुत ही बड़ा कैनवस है, स्फीयर है, उसमें कमीशन का काम तो सिर्फ उन चीज़ों को रेगुलेट करना है जो कानूनी तौर पर प्रैक्टिस हो रही है, और हमें अपने अपने मतलब पे अपने क्लिनिक पे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कोई हम उसमें टेक्निकल चीज़ें नहीं बात करते, कोई टिप के उस तरह के इल्म के बारे में बात नहीं करते। बुनियादी चीज़ हम ये कहते हैं कि अगर कोई टिप का क्लिनिक है तो तबीब को, जैसे आमिर साहब ने भी कहा कि हमें अपने आप को तबीब और हकीम लिखने, कहलवाने और जाहिर करने पे फख्र महसूस करना चाहिए। यही हमारी स्टैंडर्ड की गवर्नमेंट है जिसकी गुजरात के हेल्थ केयर कमीशन जो है वो सिस्टम को रेगुलेट करता है, और सिवाय इसके कि वहाँ पे हकीम साहब का तबीब का इलाज अपना नाम लिखा हो, काउंसिल के साथ उनकी रजिस्ट्रेशन हो, हम उस शख्स को चाहे वो कितना बड़ा मतलब पढ़ा लिखा होगा प्रैक्टिस के लिए वो अहल नहीं होगा जब तक उसकी डिप्लोमा या डिग्री क्योंकि काउंसिल के साथ रजिस्टर ना हो। जिस तरह एलोपैथिक सिस्टम में अगर कोई डॉक्टर बाहर से पढ़ के आ जाता है, बहुत बड़ी डिग्रियाँ भी होती हैं, तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उसको यहाँ पे प्रैक्टिस करने की इजाज़त उस वक्त तक नहीं होती क्लिनिक बनाने की जब तक वो मेडिकल और डेंटल काउंसिल से रजिस्टर ना हो। तो एक ये ज़रूरी है कि सारे लोग अपनी तिब्बी काउंसिल जो है उसके साथ रजिस्ट्रेशन को अपडेटेड रखें, वैलिड रखें, और अपने इल्म को उसी हिसाब से बढ़ाते भी रहें, और जो तरीका इलाज हमें हमारा सिस्टम इजाज़त देता है उसी तरीका इलाज को हम परवान चढ़ाएं, उसी को प्रमोट करें, और उसमें कोई हमें कोई हेजिटेशन या कोई ये फील करने की मेरा ख्याल ज़रूरत नहीं है कि ये तरीका इलाज बढ़िया है और ये तरीका कोई कमतर तरीका इलाज है। टिप का मैं समझता हूँ कि एक मुरवजा कवानीन के तहत एक ऑथेंटिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है, उसको हमें बड़े फख्र के साथ प्रैक्टिस भी करना चाहिए, प्रमोट भी करना चाहिए, और जो इश्यूज जिनके लिए सलीमी साहब से 24/7 और हफ्ते में 7 दिन और महीने में 30 दिन हमारा रहता रहता है, वो इश्यू इसी तरह एक एक दो कोई बुनियादी जो हमारी खामियाँ कुटाइयाँ होती हैं उसी बुनियाद पे आती हैं कि कोई ऐसी चीज़ मिल गई चाहे वो बाई चांस वहाँ पर मौजूद थी जो तबीब के क्लिनिक पे या तबीब को प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए थी, तो उस पर एक्शन इस तरह के होते हैं। कोशिश हम ये भी करते हैं कि अपनी जो टीमें हैं
जो फील्ड में जाती हैं इन चीज़ों को देखने के लिए, उनको भी गाहे बगाहे इस पर ओरिएंटेशन दें और उनको भी थोड़ा सा ये बताते रहें कि ये चीज़ें जो हैं ये काबिल गिरफ्त नहीं हैं, ये लीगल प्रैक्टिस में आती हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरा एक दफ़ा फिर आप सब लोगों की तवज्जो का और यहाँ पे मौजूदगी का बहुत शुक्रिया ऑर्गेनाइजर्स का, स्लीपी साहब का और बाकी दोस्तों का जिन्होंने मुझे मदद किया यहाँ पे आप लोगों के सामने साक्षात करने के लिए, इन सब का बहुत शुक्रिया। अगर से हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव साहब हैं डॉक्टर साकिब अजीज, उन्होंने तशरीफ लाना था लेकिन वो किसी ज़ाती मसूलियत की वजह से नहीं आ सके, तो मैं प्रॉक्सी के तौर पे आप लोगों के दरमियान मौजूद हूँ। तो मकसद मेरा यही था कि ये चीज़ें जो पहली बात तो ये कि बहुत सारे मरहल हम अलहमदिल्ला तय कर चुके हैं, बहुत सारी गलतफहमियाँ दूर हैं और हम एक सीधी रास्ते पे अपने काम को बढ़ा रहे हैं, कमीशन की साइड पे भी, टीबी काउंसिल और टीबी काउंसिल की साइड से भी और आपकी कम्युनिटी की साइड से भी। इसमें जाहिर है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बेहतरी आती जाएगी और आखिरी बात यही है कि वही चीज़ प्रैक्टिस करें जिसका इल्म है, जिसको हमने पढ़ा है, जिसको हमने सीखा है और उसमें कमाल हासिल करने की कोशिश करें, उसमें परफेक्शन लेके आने की कोशिश करें, बेहतरी लेके आने की कोशिश करें ताकि हमारे पास आने वाले मरीज जो हैं वो भी महफूज इलाज से सेहतियाब याब हों और हम खुद भी महफूज रहें और अल्टीमेटली प्रोफेशन की जो अदरवाइज एक कदर कीमत है, जो इज्जत है, वकार है, उसमें भी इजाफा हो। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं हूँ डॉक्टर हनीफ मलिक, हजामा सम्पोजियम आप मुलाहजा फरमा रहे हैं मदावा क्लिनिक यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से। चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिए।